बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की सब्जेक्ट बॉटनी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। ये जीवाणु से संबंधित तीसरा वीडियो है। प्रारंभिक दो वीडियोज के माध्यम से हमने उसकी सामान्य गुण और क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम जीवाणु की हैबिट और साइज के बारे में बात करेंगे कि किस कौन से जीवाणु की साइज क्या होती है, उसकी हैबिटेट क्या होती है। पूरे विश्व में लगभग 3000 प्रकार की प्रजातियां जीवाणु की पाई जाती है। तो स्पीसीज कितनी हुई, लगभग 3000 के अबाउट। ये इस पृथ्वी पर सभी जगह विद्यमान होता है, इसलिए हम उसको सर्वव्यापी या सर्वत्र विद्यमान प्राणी के रूप में मानते हैं। ये मानव, जंतु इत्यादि जैसे प्राणी शरीर के अंदर बाह्य सतह पर, खाद्य पदार्थ में, वायु में, मिट्टी में और जल में समान रूप से मिलता है। आप किसी भी स्थान पर इन बैक्टीरियों की उपस्थिति को देख सकते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र में वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र को इसको विभक्त किया गया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान जाता है वो उष्ण क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे कम होता है वो शीत क्षेत्र कहलाता है, शीत प्रदेश कहलाता है। जैसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, हिमालय पर्वत है, इत्यादि प्रकार के पहाड़ी इलाके, इन क्षेत्रों में तापमान लगातार न्यूनतम स्थिति पर बना रहता है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र पर जहाँ पर गर्म हवा चलती है वहाँ का तापमान अधिक होता है, तो उच्च तापमान, उष्ण क्षेत्र में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, शीत क्षेत्र के अंदर 0 डिग्री से नीचे तापमान रहता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में हमें जीवाणु की उपस्थिति देखी गई है। उच्च तापयुक्त क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और निम्न तापयुक्त क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर की वायुमंडलीय ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी आप भूतल से 6 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचो तो भी आपको बैक्टीरिया विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त समुद्र की 5 किलोमीटर गहराई के अंतर्गत बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। हम इसी दोनों प्रास को जोड़े तो समुद्री तल से या समुद्र की 5 किलोमीटर नीचे के तल से लगा करके वायुमंडल के 6 किलोमीटर के ऊपर क्षेत्र तक बैक्टीरिया आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये इसकी सर्वव्यापिता को प्रदर्शित करता है। अब आवास के संदर्भ में देखा जाता तो अलग अलग प्रकार के आवास पाए जाते हैं। जैसे पीएच में कमी होती है, पीएच में परिवर्तन होता है, तो अम्लीय क्षारीय मृदा पाई जा सकती है, जल पाया जा सकता है। तो इसके आधार पर जीवाणु 0 पीएच से लेकर के 11 पीएच तक के वातावरण में आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से अपना जीवन यापन करता है। तो हम इसको 0 डिग्री से लगा कर के यदि 0 पीएच से लेकर के 11 पीएच तक की बात करें, तो 0 से 7 तक और 7 से 11 तक की बात करें, 7 से 11 तक का माध्यम होगा वो क्षारीय होगा, जबकि 0 से 7.0 पीएच का होगा वो अम्लीय होगा। तो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में और क्षारीय वातावरण में आसानी से पाया जा सकता है। उदासीन और क्षारीय वातावरण की बात करें तो उस क्षेत्र में वो 100 डिग्री तापमान और उदासीन और क्षारीय
वातावरण के अंदर वो जीवित रह सकता है, लेकिन यदि वो अम्लीय वातावरण या अम्लीय जल के अंतर्गत पाया जाता है उस स्थिति में जीवाणु 100 डिग्री से ऊपर के तापमान में भी विद्यमान रह सकता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि 110 डिग्री का टेम्परेचर युक्त कोई वातावरण है, जल है, तो उस वक्त उस आवास में पाया जाने वाला जीवाणु क्षारीय माध्यम के प्रति अनुकूलित नहीं होगा। लेकिन यदि उस जल का तापमान, उस वातावरण का तापमान या पीएच अम्लीय है तो उसमें वो आसानी से जीवित रह सकता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती और कई क्षेत्र ऐसे वहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। जीवाणु इन दोनों ही वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है। ऑक्सीजन पाया जाती है, ऑक्सीजन पाई जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो अनऑक्सीजन श्वसन करते हुए जीवाणु जीवित रह सकते हैं। तो जब हम इसके स्वभाव की बात करें या इसके आवास की बात करें तो आवास इतनी विविधता युक्त है, चाहे वो पीएच में परिवर्तन हो, चाहे वो तापमान में परिवर्तन हो, या फिर 3,000 से 6,000 वायुमंडलीय दाब तक का परिवर्तन हो, उस वातावरण के अंतर्गत जीवाणु आसानी से रह सकते हैं। तो इसकी आवास में, इसकी संरचना में विविधता के कारण ये सभी प्रकार के आवास के अंतर्गत आसानी से मिलता है। सभी जगह पाया जाता है तो सर्वव्यापी है। ऐसे क्या कारण है कि एक जीवाणु कोशिका सर्वव्यापी जीव के रूप में पाए जाते हैं? शैवाल सभी जगह नहीं पाए जाएंगे, ब्रायोफाइटा नहीं पाए जाएंगे, प्रोटोजोआ नहीं पाए जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि एक तो इसका रूप बिल्कुल छोटा है, सूक्ष्म है, इसके कारण दाब का प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ता है। दूसरा, इसमें तीव्र गति से विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। तीव्र विभाजन होने के कारण ये प्रतिकूल परिस्थिति में तीव्र गति से विभाजित होकर के अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तीसरा, जीवाणु में एक प्रतिरोधी अंतःबीजाणु बनता है, एंडोस्पोर का निर्माण होता है। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन हुई, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई जीवित जीवाणु जीवित है और उस वातावरण का तापमान 120 डिग्री हो गया, उस स्थिति में कंडीशन अनफेवरेबल होगी और उस स्थिति में जीवाणु अंतःबीजाणु का निर्माण करता है। वो अंतःबीजाणु उस अनफेवरेबल कंडीशन से सुरक्षित रहती है। तो प्रतिरोधी जीवाणु पाए जाने, प्रतिरोधी अंतःबीजाणु पाए जाने के कारण जीवाणु सबसे अधिक और विविधता युक्त वातावरण में पाया जाता है। ये अंतःबीजाणु ताप, दाब, पीएच, वायुमंडलीय परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन इत्यादियों के प्रति ये प्रतिरोधी होता है। इसके अतिरिक्त इसको सर्वव्यापी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो इसकी पोषण में विविधता है। ये परजीवी के रूप में, मर्तोपजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में इत्यादि प्रकार की विविधता युक्त वातावरण से पोषण प्राप्त करता है। ये अविकल्पी और विकल्पी दोनों प्रारूप में पाया जाता है। विकल्पी और विकल्पी का प्रारूप का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कोई जीवाणु परजीवी है, जीवित कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब यदि वो अविकल्पी है तो केवल जीवित कोशिका से भोजन प्राप्त करेगा, और यदि वो विकल्पी कंडीशन का है तो वो जीवित कोशिका के स्थान पर मृत कार्बनिक पदार्थों से भी भोजन प्राप्त करना प्रारंभ कर जाता है। तो ये पोषण में विविधता इस जीवाणु को सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो हम इन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवाणु ही इस पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता युक्त क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात सर्वव्यापी होता है। तो ये जो पॉइंट जो आ रहे हैं वो हमारे हैबिटेट और हैबिट से आ रहे हैं। अब बात करते हैं जीवाणु का आकार कितना होता है। नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब इन जीवों का आकार हमेशा सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म होने के कारण ही इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना या बिना सूक्ष्मदर्शी के हेल्प लिए हुए, उसकी सहायता किए हुए हम इस जीवाणु को कभी भी देख नहीं सकते। जीवाणु को देखने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? हमें
हमें उपयोग करना पड़ेगा सूक्ष्मदर्शी का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ में जीवाणु यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव। अब कितना सूक्ष्म है इसके मापने के लिए इकाई है वो माइक्रोन है। कौन सा है? हम इसके आमाप को, इसके साइज को माइक्रोन में नापते हैं। जल की एक बूंद में जीवाणुओं की संख्या लगभग 5×10⁶ हो सकती है। लगभग 5 करोड़ के आसपास जीवाणु एक जल की बूंद के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। 1 ग्राम मृदा की बात करें तो उसमें 1×10³ से लेकर के 1×10⁹ जीवाणु प्रति ग्राम सॉइल के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। तो इतनी अधिक संख्या में इन जीवाणुओं की उपस्थिति केवल और केवल इसके सूक्ष्म आकार के द्वारा ही संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं होता। अब विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के बारे में हमने एक बार डिस्कस किया था कि कोकस प्रकार के होते हैं, बेसिलस प्रकार के होते हैं। तो इन सबका डायमीटर, उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई अलग अलग होती है। जैसे कोई गोलाणु जीवाणु है। कैसा है? गोलाणु, लिख सकते हैं इसको हम गोलाणु है तो गोलाकार होगा। इनका परिमाप या व्यास लगभग 0.5 से लगा करके 2.5 माइक्रोन होता है। बिल्कुल सूक्ष्म कणिक की संरचना हुई। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई बेसिलस जीवाणु है, बेसिलस का मतलब होता है डंडाणु, रॉड शेप, बेसिलस जीवाणु है तो उसकी लंबाई 0.3 से 15 माइक्रोन होती है। 0.3 से 15 माइक्रोन लंबाई, जबकि उसकी चौड़ाई 0.2 से 2.0 माइक्रोन होती है। तीसरा हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इकोलाई को। गोलाणु हो गया, बेसिलस हो गया, तो इकोलाई बैक्टीरिया की लेंथ होती है वो 1.0 से 3.0 माइक्रोन, जबकि इसका व्यास होता है, चौड़ाई होती है 0.4 से लगा करके 0.7 माइक्रोन तक होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवाणु को जाना जाता है, बड़े जीवाणु को श्रेय जिसको प्राप्त है वो है सल्फर जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? सल्फर जीवाणु। अब ये सल्फर जीवाणु सल्फर युक्त वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। सल्फर युक्त वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण वो हमेशा कैसा होगा? निम्न पीएच युक्त होता है, अम्लीय वातावरण के अंदर पाया जाता है। ऐसे स्तर में पाए जाने वाले जीवाणु उच्च ताप के प्रति भी अनुकूलित होती है। इस जीवाणु का नाम है थायोफाइसा। थायोफाइसा वाइलुटेंस। क्या नाम है? सल्फर जीवाणु तो बहुत सारे हैं, एक सल्फर जीवाणु थायोफाइसा वाइलुटेंस। इस जीवाणु का आकार लगभग 18 माइक्रोन का होता है। तो ये जीवाणु इस जीवाणु जगत के अंतर्गत सबसे बड़े जीवाणु के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में हमने डिस्कस किया है बैक्टीरिया की हैबिट और हैबिटेट, स्वभाव और आवास, और दूसरा उसके आमाप से। आवास को ज्ञात करने से हमें पता लग गया कि ये सर्वव्यापी है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और सर्वव्यापी होने का कारण क्या है उसके भी हमने 4 बिंदुओं के बारे में जिक्र किया। दूसरा हमने देखा था आकार, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका आकार कितने प्रकार का होता है, तो इसके लिए हमने किसके डिस्कस किया है, कोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर के, बेसिलस का लेकर के,
और ईकोलाई एक प्रारूपी के रूप में। और हमें ये भी पता लगाए कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया किसको माना गया, उसका आकार कितना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जीवाणु की संरचना आकार के आधार पर उसके विविधता, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।